खबर गाजीपुर जनपद से, जहां जखनिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बुरहानपुर की ग्राम प्रधान रीता देवी प्रधान प्रतिनिधि अशोक सिंह के द्वारा ग्राम पंचायत में सर्वांगीण विकास देखने को मिल रहा है। मनरेगा के मजदूरों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि हम मनरेगा के मजदूर हैं, हमें मनरेगा के तहत काम मिलता है और मजदूरी समय से मिल जाती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास गरीबों को आवंटित हुआ था। उन लाभार्थियों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि आवास में सारा भुगतान हमें समय अनुसार हो गया। प्रधान द्वारा किसी प्रकार की धनुगाही मेरे साथ नहीं हुई है, न ही किसी अधिकारी को एक भी पैसा दिए हैं। प्रधानी के चुनाव को लेकर विपक्षियों द्वारा कुछ मीडिया टीम को बुलाकर ग्राम प्रधान बुरहानपुर के खिलाफ बयानबाजी की गई, यह बिल्कुल गलत है। वही ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्यों के प्रति पूछताछ करने पर ग्रामवासियों द्वारा प्रधान रीता देवी के प्रति किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम पड़ेगा आपका? रेनू जी। किस गांव के निवासी हैं आप? ब्लॉक कौन सा पड़ेगा? आवास आया है आपका? कंप्लीट हो गया है? हाँ। कितने किस्तों में आया है? तीन किस्त में। कितना कितना मिला था? 40,000 एक बार, 80,000, 70,000 एक बार, 10,000। मजदूरी मिल गया है? हाँ। इसके एवज में सरकारी खर्चे भी कुछ लगे थे क्या? ऐसा कुछ ना, खर्चा नहीं लगा था। घर से हम लोग थोड़ा बहुत लगाए जो मिला तो। सरकारी खर्चे के नाम पे कुछ लिया गया था क्या? उसके नाम पर कोई आपसे लिया है? नहीं। क्या नाम है आपका? समंतरा। किस ग्राम सभा से है? कहाँ नाम उतार? कौन गांव है? उदयपुर। आवास आई ला? केकरे नाम से? रीता। रीता के नाम से ला। पहल का किस्त कितना ले? 40। दूसर का? 70,000। अच्छा, कंप्लीट हो गया आवास, मजदूरी मिल गया। प्रधान जी कुछ पैसों ले रहा ना? कुछ ना ले रहा ना, सरकारी के नाम से नरेगा काम करे लू। पैसा नाम हो तो आर हमारे सुमिंतरा नाम है, उदयपुर हमारे घर है। उदयपुर घर है, आवास पोले रहू है? आवास तो आर बन गल। कितना कितना पैसा पोलू? पैसा के बारे में वो जानते हैं, हम ना जानते, खाली हम दस्तखत कैला सर। अच्छा, आपके हुआ 40,000 करोड़पति हैं। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, आप बतावा। हमारा नाम शंभू राम। हाँ हाँ, ठीक ठीक। सरकार दो बार तीन बार में पैसा मिला। हाँ। 40,000 मिला। हाँ। 370,000 मिला। हाँ। 50,000 मिला। हाँ। और मजदूर सब मिलकर काम हमारा सही है। अच्छा, ये बताइए कि आपको कुछ खर्च भी देना पड़ा इसके एवज में? एक पैसा नहीं, एक पैसा खर्च नहीं लगा है। नरेगा में? अच्छा, ये बता, नरेगा में काम करते हैं? करते हैं, हम साइकिल की दुकान करते हैं, लोग करते हैं, हमारे घर के लोग जाते हैं। लगाइए सुमिता जी, आप नरेगा में काम करे लू? नरेगा में जो काम कर लू, मजदूरी तो मिले ले? हाँ। ओकरे एवज में तो कुछ पैसा कट के मिला लगा? नहीं, कट के के दे, जैसे जितना काम कर लू। का नाम अधवार? कौन ग्राम सभा से? आपका आवास आया था? कितना कितना आया था? 1,20,000 आया। 1,20,000 आया था। और कोई सरकारी खर्च दिए हैं आप किसी को? नहीं, किसी को पैसा ना दिए हैं? रुपया नहीं दिए। प्रधान जी को कितना देना पड़ा? प्रधान जी को रुपया नहीं दिए। 1 रुपया ना। नरेगा काम करते हैं? नरेगा करते नहीं अब, सफल नाम से। अच्छा, क्या नाम है प्रधान का? क्या नाम है आपके गाँव का प्रधान का? प्रधान का कौन गाँव है तुम्हारा? उदयपुर के प्रधान बा टेलू सिंह। आपका आवास आई ला? हाँ। बन गई ला? बन गया। खर्च वर्च मांगले रहे ना प्रधान जी कुछ? नहीं कुछ ना। नहीं, नरेगा में काम करते हैं? हाँ। कितना किस्त आया था आपका? किस में? आवास में। आवास में पूरा पैसा मिल गया हमको? पूरा पैसा मिल गया, सब कुछ। हाँ। मजदूरी सब मिला है? हाँ। नरेगा का मजदूरी पाते हैं? नरेगा में साहब हम केकरे नाम से आवास आल? लड़का के नाम। लड़का के नाम से बन गई ला पूरा? बन गया। कितना किस्त आल है? पूरा 1,20,000। 1,20,000 आल है? प्रधान जी कुछ दे ले रहा नहीं? कुछ ना। सेक्रेटरी प्रधान क्यों ना मंगले रहे कुछ? कुछ नरेगा में काम करते हैं? हाँ। किस्त आता है उसका, पैसा आता है? हाँ। प्रधान जी कुछ लेते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं लेते।